हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्तमान में हम लोग लेखपाल परीक्षा के अंतर्गत जो विषय हैं उन सारे विषयों को कवर कर रहे हैं, यानी अलग अलग जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल बिंदु हैं उन विषयों पर परिचर्चा हो रही है। ठीक है, लगातार आपको व्याख्यान उपलब्ध करवाए जाते हैं जिन्हें आप गंभीरता पूर्वक देखिए और अपने आधार बिंदुओं पर कार्य करते हुए उनका लाभार्जन करिए। ठीक है, वास्तविकता आप देख रहे हैं जैसा माहौल है, इस माहौल में एक ही चीज परम सत्य है और वह सत्य क्या है कि अगर आप कंपटीशन बीट करके गवर्नमेंट जॉब की आशा रखते हो तो सबसे पहले एक चीज आप मूल मंत्र जान लो कि बिना पढ़े कल्याण नहीं है। जैसा कि बहुत सारे बच्चों में ये चीजें रहती है कि अरे सर अब वैकेंसी नहीं आनी, इन तमाम मुद्दों पर कई बार पहले मैं भी बोला हूं, लेकिन जब मुझे फिर से कोई ऐसी चीजें मिलती हैं तो मेरा मन करता है कि जरूर बोलूं। देखिए भैया, अगर ये चीज आप मान के चल रहे हो कि सर कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, वैकेंसी आ भी गई, हमेशा एक चीज परम सत्य है दुनिया का भैया, ये है कि जो सफलता मिलती है वो पहले की तैयारी पर मिलती है, बाद की तैयारी पर कोई भी व्यक्ति आज तक सफल नहीं हुआ और ना होगा फ्यूचर में। अगर उत्तर प्रदेश वाली मानसिकता आप बना के अभी भी बैठे हो, वही पूर्व छात्र बने बैठे हो कि जब फॉर्म आ जाएगा, परीक्षा की डेट बता दी जाएगी, तब हम सिलेबस और किताबें ढूंढने निकलेंगे, तो आप ये मान के बैठो कि कभी भी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होना है। अगर जॉब पाने की अपेक्षा रखते हो तो हमेशा पहले से तैयारी की जाती है सफल होने के लिए। व्यक्ति वही सफल होता है जिसने पहले से तैयारी की है। आप सोचते हो कि अच्छा जब जॉब, बहुत सारे बच्चों का कहना होता है सर क्या जॉब ये आएगी? अरे भैया पीटी तो आएगी, हम एक चीजों के लिए थोड़ी पढ़ा रहे, जितना सिलेबस आपका है ये सब कुछ आपका पीटी में भी आना है। क्या अदर कोई कभी वैकेंसी ही नहीं आएगी कि आप जो है 60 साल के ऊपर हो गए कि आप अब किसी में आप अप्लाई करने के लिए मतलब लायक नहीं रह जाएंगे? आराम से पढ़ो भैया, सारी चीजें जो टीम कर रही है उस पर आप अच्छा ध्यान फोकस करके एक ही चीज अपने मनाह स्थिति में बना लो कि हमको पढ़ना है, अपने आधार बिंदुओं पर काम करना है। जीएस गलत होती है, साइंस गलत होती है, परीक्षा में बैठते हैं क्यों गलत होती है? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। तो उन सारी चीजों पर कार्य करिए। अब हम शुरुआत करते हैं आज का आपका लेक्चर हिंदी व्याकरण में। ठीक है, मैंने आपको बताया था, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जितने प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं ये भविष्य में आने वाली सभी परीक्षाओं को केंद्रित करके हम यहां पर आपको सारे विषय उपलब्ध करवाते हैं जिनमें पूरी की पूरी मतलब एकदम बेस से लेकर के और सबसे जो है उच्चतम शिखर बिंदु तक हम आपको पहुंचाएंगे। ये हमारा आपसे वादा रहा, हम इसी पर काम करते हैं। सबसे पहले आपका बेस मजबूत करना, उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे जो है सीढ़ियों से ऊपर पहुंचाना। हम अगर आपको सीधा ऊपर पहुंचा दिए तो आपको लगेगा अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया हमारे साथ, यहां वो काम करो। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि सफलता कैसे दिलाई जाती है। ठीक है, जैसा अनुभव है उस अनुसार हम आपको अपना जो है टास्क देते हैं कि आपको इन अनुसार जो है बढ़ते चलना है, ऐसे ऐसे सारे कार्य करने हैं। और कोई भी प्रोग्राम अगर डिजाइन होता है तो वहां टीम पहले बैठ के डिस्कस करती है कि इससे आपका लाभ क्या होगा। आप हमें समय देख, एक चीज देख लो भैया, हम इस चीज पर काम करते हैं, पूरी टीम इस चीज पर काम करती है कि अगर आधा घंटा आप हमारा लेक्चर देख रहे हो तो हमसे आधा के बदले में जब आप चार गुना दो घंटे की चीज पा के जाओ फिर हमारा काम कोई काम है। ठीक है, हम इसी बात पर कार्य करते हैं हमेशा कि हम आधे घंटे में आपको इतना कुछ बता दें कि आपको उसको सीखने के लिए समय देना पड़े, आपको ये लगे कि हाँ कुछ मुझे मिला है, अच्छा पढ़ने को मिला। ठीक है, तो उस तरीके से जुड़िए। 10+ कोर्सेज आपके एकदम निःशुल्क चलाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि वीडियोस देख के हमारा जो है कंप्लीट हो रहा है, बहुत ढंग से पढ़िए भैया, वीडियोस सभी निःशुल्क है, कोई हम आपसे पैसा यहां पर जो है चार्ज नहीं कर रहे। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी वीडियोज के अलावा हमें हर एक जो आप क्लास चलाते हो इसकी नोट्स चाहिए, अच्छी नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़ जाओ, वहां क्विजेज और पीडीएफ दोनों आपको मिलते रहते हैं हर सब्जेक्ट के। पीडीएफ में क्या करते हैं भैया हम लोग की 500 रुपए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कोई अगर संस्था होती है तो वहां पर उनमें संस्था में कार्य करने वाली टीम होती है, टीम आपको कंटेंट पहुंचाती है, हर एक चीजें होती हैं, तो इसमें टाइपिस्ट होते, कंटेंट राइटर होते, ठीक है, तो उनकी भी मेहनत जाया ना हो इसलिए 150 रुपए मिनिमम हमने चार्ज लगा रखा है महीने का। और ये इतना भी बड़ा नहीं है कि आपको कहीं पछताना पड़े कि अरे सर 150 रुपए बहुत होते, एक महीने 150 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, 3 महीने के लिए 499 रुपए
ठीक है, आपको पे करना है और इसमें जितनी क्लास हम चलाएंगे, हम 10 चलाएंगे तब भी पीडीएफ देंगे, ठीक है, तो इस चीज को नहीं घबराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, आज हमें हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत किन चीजों की पढ़ाई करनी है उन्हीं पर हम बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैं इस समय विकारी शब्द आपको पढ़ा रहा हूं, विकारी शब्द, ठीक है। शब्दों में मैंने बताया कि चाहे पीईटी का जो है क्वेश्चन होगा 40 हिंदी, ठीक है, चाहे वनरक्षक की परीक्षा जो आपकी आगामी यानी है होनी सब है, ये मत परेशान होना, कोई परीक्षा नहीं होनी है। और जिन परीक्षाओं में हिंदी का रोल ज्यादा है, चाहे आपकी जो है उत्तर प्रदेश एसआई, चलो इस साल नहीं आ रही, अगले साल आ रही, लेकिन आनी है और हिंदी 40 क्वेश्चन आएगा। अब हिंदी ही आपकी बेड़ा पार कराएगी, क्योंकि ओवरऑल 50% लाना है, तो उसके लिए आप सोचो कि अच्छा जब वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ के हिंदी निकाल लेंगे, तब तो हो गया कल्याण, ठीक है। तो विकारी शब्द में हम संज्ञा पढ़ रहे हैं। संज्ञा के हमने विभेद में आपको बताया था कि संज्ञा के तीन भेद मुख्य रूप से होते हैं। उन मुख्य रूपों में हमने सबसे पहले विभेद को व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ा अच्छे से, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, पहचानने के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। आज हमें दूसरा पढ़ना है, दूसरा जो हम आपको बताएंगे वह हम आपको बताने जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के ऐसे कौन से आपको शब्द मिलते हैं जिनसे किसी की जाति के बारे में पता चलता है। अब जाति आपकी दो तरीके की हो सकती है, एक तो किसी के समूह के बारे में बताए, ठीक है, जाति में दो उपभेद इसी वजह से बनाए गए हैं, एक तो किसी समूह को इंगित कर दे, जैसे बोला गया सेना है, ये विद्यार्थी हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, अब ये सब क्या हो गया, यह एक समूह को दर्शा दिया, ठीक है। तो यह जाति के अंतर्गत, मतलब है तो एक जाति ही ना, हम लड़के बोले तो लड़का एक जाति हो गया, यहां पर कैसा विभाजन, यह समूह को दर्शाने लगा, इसलिए जातिवाचक के दो विभेद बनते हैं। एक दूसरा इसी में विभेद बनता है जातिवाचक का, जैसे मैंने बोला सोना, अब सोना बोल दिया मैंने, एक धातु है, अब आपको रहेगा कि यह तो धातु है, लेकिन यहां हमें क्या मतलब है, सोने की एक द्रव्य जो पाई जाती है वो क्या है, एक जाति को निरूपित करती है, इस वजह से यहां क्या हो जाएगा, यह आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आज इन्हीं तीनों पर हमें बहुत अच्छे से परिचर्चा करनी है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा इसके उपभेद में क्या होती है, और तीसरी बात होती है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के उपभेद में किन किन चीजों को पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत विधिवत तरीके से आपको चलना है, और सारी चीजों को मैं यहां जितनी बताऊंगा आपको बस पढ़ते चलना है, सारी चीजें अपने आप आपके दिमाग में उतरती रहेंगी। मेरे शब्दों को गौर से सुनते रहिए, जितनी भी आपकी कंफ्यूजन आज तक बनी है वह सब कुछ आपकी वहीं पर निरुत्तर हो जाएंगे। सबसे अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके दिमाग में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचेगा जिसका जवाब मैं आपको इतने ही समय में बता ना दूं। तो चलिए भैया, सबसे पहला मैंने आपके सामने लिखा है वह है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, वाचक का अर्थ होता है किसी चीज को बताने वाला, यानी जाति को बताने वाले जो संज्ञा शब्द होते हैं वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का जो बोध कराते हैं उन्हें, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। यानी जहां संपूर्ण जाति का बोध हो वह शब्द केवल जाति के अंतर्गत आएंगे। यानी इसमें ऐसा ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि जो भी शब्द होंगे किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे, किसी वस्तु के बारे में बताएंगे या किसी स्थान के बारे में बताएंगे, यानी संपूर्ण चीजें यहां जाति के बारे में इंगित करेंगी। शब्द में देख लो, उदाहरणों को देख लो, जैसे मैंने वस्तुओं में उठाया, कुछ वस्तु में मैंने उठा लिया मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक आदि। अब इनमें जो भी शब्द आपके दिख रहे हैं, जो उदाहरण के तौर पर रखे गए, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, ये सब वस्तु हैं, लेकिन वस्तु होके एक जाति का निरूपण करते ही, हमने मोबाइल बोला तो आपके दिमाग में क्या आएगा, वही मोबाइल फोन, आपके दिमाग में कभी यह नहीं आएगा कि हमने मोबाइल बोला तो आप कैलकुलेटर के बारे में सोचो, नहीं, हमने मोबाइल बोला तो आपको वही मोबाइल दिखेगा, आप जो है अन्य किसी उपकरण के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ दिमाग मोबाइल पर, तो वहां वो एक जाति को निरूपित कर दिया। ऐसे दूसरा है आपका टीवी, हमने बोला तो आपका दिमाग सिर्फ टीवी पर जाएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमने टीवी बोला तो आप पंखे के बारे में सोच रहे हो, नहीं ना, टीवी हमने बोला तो आपका दिमाग टीवी पर गया, एक जाति विशेष को यहां पर उसने क्या किया, इंगित कर दिया, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन गया। दूसरा यहां पर प्रकार देखो, जैसे मैंने स्थानों के नाम लिए, संज्ञा क्या है, संज्ञा मैंने बताया था आपको कि संज्ञा नाम है, किसी का नाम भी आ जाए वह संज्ञा है,
तो इसी उपभेद में जब स्थान में हमने बोला गांव, अब गांव यहां पर तो है तो किसी स्थान का नाम भैया, लेकिन गांव का मतलब यहां एक जाति दर्शा दिया। हमने बोला शहर तो शहर एक जाति हो गई, गांव बोला गांव एक जाति हो गई। तो इन यह दोनों मिलके क्या कर रहे, ये सभी अलग अलग विभेदों को अलग अलग जातियों को बता रहे, इस वजह से यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तीसरा मैंने प्राणी को उठाया और प्राणियों में मैंने क्या उदाहरण के तौर पर रखा, मैंने एक शब्द बोला आदमी। अब जब आदमी मैंने शब्द बोला तो आपके दिमाग में कहीं पशु तो नहीं आया, आपने पशुओं के बारे में नहीं सोचा, आपने आदमी के बारे में इंसान के बारे में सोचा। अब यह एक जाति को आपके दिमाग में वर्गीकृत कर दी। यही जातिवाचक संज्ञा के विभेद हैं। इन्हीं से हम आगे दो विभेद बनाते हैं, यानी जातियों में भी हमें कुछ अलग अलग प्रकार मिलते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने बोल दूं गाय। अब जब मैंने गाय शब्द को बोला तो दिमाग में आपके क्या गया, क्या भैंस आई दिमाग में? नहीं, आपके दिमाग में गाय बनी। और गाय शब्द जब मैंने बोला तो आपके दिमाग में यह नहीं बना कि मैंने देसी बोला कि जर्सी की हरियाणवी। गाय का मतलब समस्त तरीके की आपकी गाय पूरी की पूरी उस जाति के अंतर्गत, उस शब्द के अंतर्गत बंधी हुई है। समझ गए? यानी यहां आपको यह नहीं कहना कि यह साहिवाल वाली अलग है और जो है गुरुजी देसी अलग है, जर्सी अलग है। यहां मैंने गाय शब्द अगर उच्चारित किया तो गाय शब्द का जो अर्थ होता है वह यह हुआ कि संपूर्ण गाय जाति के लिए इस शब्द का प्रयोग यहां किया गया है। समझ गए? जैसे एक शब्द मैं दूसरा यहां पर अगर आपके सामने रखता हूं गाय के अलावा, जैसे मैंने बोल दिया लड़का। अब मैंने लड़का शब्द जैसे ही वाच किया वैसे ही आपके दिमाग में क्या आया कि समस्त बालक या समस्त लड़के आपके दिमाग में बन गए। वहां यह तो नहीं आया कि मैंने लड़का बोला तो अब लड़के में आप डिफरेंस करो कि अच्छा सर सोनू की मोनू की जो है विकास की रमेश। यहां जितने सोनू मोनू विकास रमेश जो कुछ भी हैं वो समस्त लड़के जाति शब्द के अंतर्गत आते हैं। यानी यहां कोई विभेद ना होके एक जाति का निरूपण करते और ऐसे शब्द जो होते वो जातिवाचक शब्द आपके कहलाते। इन्हीं के आधार पर जातिवाचक संज्ञा का विभेद बना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक शब्द उठाया, मैंने बोल दिया नदी। अब आपके दिमाग में वह कलकल बहती जो है पवन पाल जो है एक तरीके से सरिता के बारे में आपके दिमाग में आ गया कि जो जल है। अब वहां आपने यह नहीं सोचा कि मैंने नदी बोला है तो क्या गुरु जी ने ऐसा कहा कि नदियों में आपका गंगा या सरस्वती या अन्य नदियां। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने नदी शब्द बोला तो नदी के उच्चारण से ही जैसे ही आपके कर्ण पल्लों में यह ध्वनि पड़ी दिमाग आपका तुरंत केंद्रित होता है कि कोई भी वह दृश्य जिसमें जल आपका बह रहा है निरंतर। अब यह क्या शब्द हुआ, यह किसी जाति विशेष को दर्शाया और जातिवाचक शब्द का उदाहरण बन गया। समझ गए ना? बहुत बढ़िया। यानी यहां किसी विशेष नदी का नाम नहीं, हर एक नदियों में आपका दिमाग वर्गीकृत नहीं किया। नदी हमने बोला तो नदी के अंतर्गत सारी नदियां आपकी आ गई। उस उत्तर भारत से आप ले लीजिए, सबसे उत्तरी शिखा से और सबसे दक्षिणी शिखा, यानी समस्त तरीके की नदियां यहां आ गई। यहां कोई उपभेद नहीं बना और यही जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बनता है। अगले अगर हम शब्द की बात करें, मैंने एक शब्द बोल दिया पहाड़। पहाड़ शब्द जैसे ही मैंने उच्चारित किया आपका दिमाग कहां पहुंचा, यानी कोई भी ऐसी श्रृंखला, कोई भी ऐसी आपकी चोटी जो पहाड़ को निरूपित करती, यहां आपके दिमाग में यह नहीं पहुंचा कि अच्छा गुरुजी नागपुर वाला, छोटा नागपुर वाला कि बुंदेलखंड वाला कि जो है उधर दक्षिण भारत वाला, यहां आपके दिमाग में यह चीज नहीं गई। हमने पहाड़ शब्द जैसे ही उच्चारित किया दिमाग में जो मनाह स्थिति आपकी प्रकट हुई वह स्थिति यह रही कि पहाड़ कोई शब्द है जो समस्त पहाड़ जाति को दर्शाता है। यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन गया। ऐसे में एक शब्द बोल दूं शहर, तो शहरों में मैं आपसे यह नहीं बोला, मैंने शहर कहा तो शहर के अंतर्गत आपने क्या समझ लिया कि अच्छा कोलकाता दिल्ली बेंगलोर ये सब जो शहर है, मतलब शहर के अंतर्गत एक जाति का वर्गीकरण किया आपने। आपने ये तो नहीं कहा कि अच्छा हमारा वाला गांव शहर है, वहां पर क्या चीजें आई, वहां शहर का वर्गीकरण एक अलग है, यह एक जाति में विभाजित हो गई। तो वो हमें उम्मीद है कि जातिवाचक शब्दों को अब आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अगर इनका मैं वाक्य में प्रयोग कर दूं, जैसे वाक्य में प्रयोग भी मैंने यहां समझा दिया है,
उदाहरण जो आपसे पूछेगा, यूपी ट्रिपल एससी जो नए फॉर्मेशन पर काम कर रहा, वह हमेशा वाक्यों में शब्दों को पिरोकर आपसे पूछता है कि आपकी मना स्थिति में भ्रम स्थिति पैदा हो और आप कहीं ना कहीं उसमें गलत उत्तर चुने। देखें भैया, बच्चा या बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। अब इस शब्द में अगर आपसे कह दे कि जातिवाचक शब्दों में कौन कौन से यहां जातिवाचक शब्द हैं, ठीक है। दूसरा मैंने यहां चुना है पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। अब देखिए, पहला जो आपका वाक्य लिखा है बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वहां बच्चे भी एक जातिवाचक शब्द है, खिलौने भी आपका एक जातिवाचक शब्द है। दोनों अलग अलग जाति हैं, दोनों एक जातिवाचक शब्द हैं, दोनों अलग अलग जातियों के विभेद को करती है। तो दूसरा अगर वाक्य देखें जहां कह रहा पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ एक यहां जाति हो गई, पक्षी भी एक आपकी जाति हो गई। समझ गए? यानी दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि जातिवाचक संज्ञा के शब्द आपको कैसे कैसे आप पूरी जाति का बोध कराते हैं। यहां कोई एक विशेष चीज नहीं दर्शाता, यही हमें समझना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने कहा नाम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम किसी विशेष व्यक्ति को दर्शाने लगे थे, इस वजह से वहां पर गया था। वहां पर अगर किसी का नाम बोला गया तो वह उसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है। यहां पर जो चीजें आ रही, यहां कोई शब्द आपको मिल रहा तो वह संपूर्ण जाति को प्रदर्शित करता। यही क्या है? यही विभेद है। इसी वजह से हमें, मैंने बार बार आपसे बोला है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें विभेद क्यों पढ़ने पड़ते हैं? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ आपके क्या मिलने लगती, भिन्नताएं मिलने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, कुत्ता एक वफादार जानवर होता। अब देखिए यहां पर जो शब्द वाक्य है, मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। अब मनुष्य एक जाति हो गया, सबसे पुरानी प्रजाति, प्रजाति भी एक जाति का द्योतक है। यानी यहां पर दो शब्द आपको मिल रहे, वो दोनों के दोनों जातिवाचक संज्ञा के द्योतक। समझ गए? बहुत बढ़िया। आगे अब हम बढ़ते हैं, उम्मीद है इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी मिल रही हैं कि जहां पर आपको उदाहरणों को जब आप समझते हैं, जैसे मैंने बोला बच्चे खिलौने से खेलते हैं। अब बच्चे जो है एक जाति का वर्गीकरण है, एक जाति का निरूपण है यह शब्द, लेकिन जब खिलौने शब्द को हम उठाते हैं तो वह भी एक जाति का निरूपण होता है। यानी खिलौना और बच्चा दोनों जातियों को भी दर्शाते हैं, लेकिन बच्चे में और खिलौने में दोनों में अंतर होता है। खिलौना किसी से बना हुआ कोई एक धातु है, कोई एक द्रव्य है, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत गया इसी जातिवाचक के विभेद में। और जो एक जाति विशेष को दर्शाते हैं, वहां जातिवाचक के अंतर्गत समूहवाचक में चला गया, तो जातिवाचक संज्ञा के दो विभेद बन गए, क्योंकि यहां पर हमें आवश्यकता आ गई दोनों में अलग अलग करने की। अब समझिए, द्रव्यवाचक संज्ञा को मैं पहले उठा रहा हूं। द्रव्यवाचक संज्ञा वह है भैया जिससे किसी ठोस, तरल, द्रव्य, द्रव, ठीक है, पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कर जो है होता है, ऐसे शब्द आपके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझ गए? द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में नापी या तोली जाती हैं, ये अगणनीय है। सबसे जो आपका जरूरी बिंदु है वह यह है कि ये अगणनीय होती हैं। इनको हमेशा इसी रूप में आप याद रखेंगे, यानी द्रव्यवाचक संज्ञाओं को आप कभी गिन नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरणों को समझो और गिन के दर्शाओ। कोयला मैंने शब्द बोला, पानी मैंने बोला, तेल बोला, घी बोला, लोहा, सोना, इनमें से किसी चीज को आप गिन सकते हो कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी? ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी यह दर्शा रही कि ये कहीं ना कहीं क्या है, किन्हीं द्रव्य से निर्मित आपकी क्या है, कोई ना कोई धातु है, ठीक है। ऐसे जो शब्द होंगे वह क्या होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। जैसे अन्य को अब वाक्य में अगर प्रयुक्त कर दिया जाए, हमें पहला वाक्य क्या लिख रहा, हमें रोजाना फल खाने चाहिए। अब यहां पर फल शब्द आ गया, अब आप कहेंगे कि ये तो गुरुजी क्या हो गया, फल यहां किसका द्योतक हो गया, यह जाति को बता रहा, लेकिन जाति में विशेष तौर पर यहां क्या आ गई, यहां यह एक किसका बोध करा रहा, द्रव्य का बोध करा रहा, ठीक है। इस वजह से द्रव्य, द्रव नहीं,
दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। यह एक द्रव्य का बोध करा रहा, अतः यहां पर यह क्या होगा, फल एक आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। मुझे पानी पीना है, अब पानी पीना है आपको भैया, ये तो बात सही है, लेकिन पानी शब्द एक द्रव्य का बोध आपको करा रहा जो कि एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाजार से सब्जी लेकर आओ, अब सब्जी जो हो गया यह क्या हो गया, किसी द्रव्य का बोध आपको करा रहा, और इस वजह से सब्जी आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मुझे चांदी के आभूषण पसंद हैं, आभूषण यानी गहने। अब चांदी क्या है, आप धातु मान सकते, एक द्रव्य मान सकते, ठीक है, यानी चांदी शब्द में हमें एक द्रव्य का बोध होता, इसलिए चांदी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा बहुत कठोर पदार्थ है, अब लोहा शब्द एक द्रव्य का बोध कराता है, इस वजह से यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, इसमें जितने भी आपको शब्द मिल रहे वह शब्द अगणनीय मिल रहे, यानी जिनकी हम गणना ना कर सके। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे एक चांदी, दो चांदी, तीन चांदी पसंद है, हम तो ऐसा नहीं बोलते ना, वहां माप तोल में होती है। अब समझ लो भैया समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए भैया, समूहवाचक संज्ञा की अगर हम परिभाषा की बात करें, वहां तो आप समझ गए कि जातिवाचक में जो द्रव्यवाचक संज्ञा बनी वह संज्ञा क्या रही। समूहवाचक को समझ लीजिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक शब्द कहते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक। अब यहां पर जैसे मैंने उदाहरणों को लिखा, भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि क्या जो ऐसे शब्द मिल रहे, इन शब्दों में किसी को गिन पाओगे, क्या ऐसा संभव है, प्रयत्न करके देख लो। हमने बोला कि मेला लगा हुआ है, अब मेला का मतलब एक मेला, दो मेला, तीन मेला नहीं, ठीक है, या राम श्याम मेले में गए, ठीक है, कक्षा में विद्यार्थी हैं, परिवार में रमेश इस परिवार का हिस्सा है, हमारे परिवार का सदस्य है। अब यहां सब जो भी आपको शब्द मिल रहे, ये शब्द क्या है, ये किसी समुदाय विशेष को दर्शाते हैं या समूह विशेष को दर्शाते हैं, इसी चीज को ध्यान रखना। जैसे उदाहरण को मैंने जब यहां पर वाक्यों में प्रयुक्त किया, मैंने एक वाक्य लिया कि क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। अब यहां पर जो टीम लिखा शब्द है, टीम का मतलब क्या हो गया, यानी यह खिलाड़ियों के एक समूह को दर्शाती है। टीम शब्द का अर्थ क्या हुआ कि खिलाड़ियों का एक समूह। ऐसे ही दूसरा समझिए, मुझे एक दर्जन केले खरीदने हैं, अब यहां पर फिर से एक चीज आई दिमाग में, ठीक है, लिखा है मुझे एक दर्जन केले खरीदने, अब दर्जन क्या हुआ, एक समूह को दर्शा रहा, ठीक है, दर्जन में आपको पता है कि 12 आपके केले क्या होंगे, आएंगे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है, अब सेना का मतलब क्या हो गया, सेना जो शब्द हुआ वह जवानों के एक समूह को दर्शा रहे, यानी यह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के द्योतक हैं, समझ गए। जैसे मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे, अब कक्षा जो यहां शब्द आया, ये कक्षा शब्द क्या है, विद्यार्थियों का एक समूह दर्शाता है, समझ गए, ये क्या हो गया, एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। जैसे मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, अब यहां जो परिवार शब्द आया, ये क्या हो गया, ये सदस्यों के एक समूह को दर्शाता है। परिवार का अर्थ क्या हुआ कि सदस्यों का एक समूह है, वह परिवार का आपका जो है द्योतक है। आगे बढ़ते हैं, कल रात को एक चोरों का गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया, कल रात को चोरों का एक गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया, तो यहां पर समझ लेना है कि वाक्य में जो गिरोह शब्द का प्रयोग हुआ है, यह गिरोह का अर्थ यह हुआ कि चोरों का एक समूह हो आपका, यह गिरोह होता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे काले धन की बात चलते ही सभा में सन्नाटा छा गया, काले धन की बात चलते ही सभा में सन्नाटा छा गया। अब यहां पर जो चीजें आपको समझनी है, यानी जो सभा शब्द आया, सभा का मतलब हो गया कि कुछ लोगों का एक समूह, यह क्या है, सभा है, तो यहां से
ये जो शब्द आया ये किसी समुदाय का द्योतक है, किसी समुदाय के बारे में आपको बता रहा है। तो ये ऐसे जो शब्द मिलेंगे वो समुदायवाचक या समूहवाचक शब्द होंगे जातिवाचक के अंतर्गत। लेकिन जहां पर आपसे किसी धातु अधातु द्रव्य पदार्थ इन सभी के बारे में पता चले वह जातिवाचक के अंतर्गत आपके क्या होंगे, वह जातिवाचक के अंतर्गत आपके जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के भेद होंगे। समझ गए, उदाहरण होंगे। तो ऐसे ही इन दोनों में पहचानना होता है, इन्हीं से आपका क्या बनता है, इन्हीं से आगे जो है सवाल पूछे जाते हैं कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है या निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन है। ठीक है, ऐसी चीजों को हमें पहचानना होता है। तो इससे आगे आपका जो अगला बचता है वह होता है कौन सा आपका, इससे जो अगला आपका बचेगा वह भाववाचक संज्ञा होगी। तो भाववाचक में चुके भाववाचक में जो पूछता है ठीक है कि भाववाचक से विशेषण कैसे बनाते हैं, ठीक है, जातिवाचक शब्द कैसे बनते हैं, उसमें कई अलग अलग आपकी सर्वनाम से कैसे बनती हैं, तो उन चारों पांच उसमें जो है चार या पांच कंडीशन बनती हैं, उन सारी शर्तों पर कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है उनको अच्छे से सीखना है, विशेषण से कैसे बनेगी, सर्वनाम से कैसे बनेगी, तो उन सभी पर जो है अगले हम लेक्चर में बात करेंगे। तब तक वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, आपके जो दोस्त होते हैं उनको भी परीक्षा प्लस परिवार में उनका आवाहन करिए, ठीक है, उनको जोड़िए, ठीक है, टीम में सदस्यों की संख्या बढ़ाइए आप लोग, ये आप सभी का दायित्व है कि आप हमारी परिवार से जुड़े हैं तो आप परिवार में सदस्यों को बढ़ाने का जरूर प्रयत्न करें। ठीक है, बच्चों को वहां पर लाइए, आपके दोस्तों को वहां लाइए जहां पर कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं। ठीक है, बाकी टीम आप सभी के साथ है, जैसे भी आपको टीम के प्रयास लगते हैं उनके बारे में दो शब्द जरूर कहकर जाया करें। ठीक है, अंत में जो भी लेक्चर होते हैं ये हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो फिर मिलते हैं पुनः अगली सीरीज में, तब तक मस्त होकर पढ़िए, धन्यवाद।